हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक ज़बरदस्त खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग ग्रुप डी RRB के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन दिए थे, उन लोगों के लिए जो कि बोला गया था आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आया था कि जो लोग के बैंक पे आपका जो रिफंड आपके पैसा जो रिफंड नहीं हो पाया है, उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कि उस नोटिस में बोला गया है कि RRB के तरफ से कि जो लोग वहाँ पे अकाउंट नंबर दिए थे, बहुत सारे जो कि कैंडिडेट के अकाउंट नंबर गलत आ रहा है, इसीलिए जो बैंक के रिफंड है वो नहीं हो पा रहे, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स बोला गया है कि क्या क्या डिटेल यहाँ पे है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CENALP टेक्नीशियन पोस्ट रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैड इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी टू द कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर द ALP टेक्नीशियन अगेंस्ट CEN01/2018 ड्यूरिंग द रिफंड प्रोसेस। इट इज नोटिस दैट फॉर सम ऑफ कैंडिडेट द रिफंड हैज़ फेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट बैंक डिटेल फर्निश्ड बाय देम सच अ रॉन्ग अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो लोग के पैसा रिटर्न नहीं हो पाया है, फेल दिखा रहे, उन फेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का जो अकाउंट नंबर था वो गलत दिया गया है, उसके लिए यहाँ पे वो पैसा जो रिफंड नहीं हो पाया। उसके साथ साथ दोस्तों, और भी कुछ दिया हुआ है कि रॉन्ग IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच, फिलिंग अप कस्टमर ID इन प्लेस ऑफ अकाउंट नंबर एट्सेट्रा, ये सब जो रीज़न है, इसके वजह से आपका जो पैसा है यहाँ पर रिफंड नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जिसका जो पैसा अभी तक नहीं आया, जो फर्स्ट स्टेज के CBT जो लोग दिए थे, उन लोगों का जो पैसा है यहाँ पर अकाउंट में चलाया, बहुत सारे अकाउंट में जो कि RRB से रिटर्न हो गया है, और जिन लोगों के नहीं हुआ उन लोगों के लिए यहाँ पे फिर से एक बार मौका दे जा रहा है कि जो लोग अभी भी पैसा आपका रिटर्न नहीं पाया, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक डेट दिया जाएगा, जे डेट में आप लोग आपका जो आपका बैंक ID है आप उसको फिर से एक फिलअप करके आप लोग वहां से दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए यहां पे दिया गया है कि कैंडिडेट हुज रिफंड ट्रांजेक्शन हैज़ फेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग टू फेलियर ऑफ रिफंड थ्रू SMS ऑन 17 December 2018 टू फैसिलिटी दिस कैंडिडेट टू करेक्ट देयर बैंक अकाउंट डिटेल। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग जिसका पैसा अभी तक नहीं गया है, उन लोगों के लिए यहाँ पे करेक्शन के लिए एक डेट दिया जा रहेगा, इस डेट में जाके आप लोग आपका जो बैंक अकाउंट है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला गया है कि अब बैंक अकाउंट रिफ्लेक्शन लिंक विल बी प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB व्हिच विल बी लाइव फ्रॉम 18 December 2018। तो दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपका जो बैंक अकाउंट है आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को अगर पैसा नहीं आया, आप लोगों का लगता है कि आपका अकाउंट नंबर जो कि गलत है, उसके लिए यहाँ पे आप लोग जाके आपका जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड बैंक की ID जो है आप लोग वहाँ से करेक्शन कर सकते। डेट दिया गया है 18 December 2018 टू 25 December 2018। तो दोस्तों, 25 December 2018 तक आपको यहाँ पे करेक्शन कर सकते। तो इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और भी बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक यूज ऑफ दिस फाइनल अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द बैंक डिटेल्स टू इनेबल रिफंड। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली दिया गया एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए RRB चेयरमैन जो कि है, यहाँ पे बोला गया कि जो लोग अभी तक उसका जो करेक्शन नहीं किया गया, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप लोग अभी जाके उसको आपका जो बैंक के डिटेल्स है आप करेक्शन अभी आप लोग ये जो बैंक के करेक्शन है आप लोग कर लीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाइल फिलिंग द बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड एंटर आर करेक्टेड। तो दोस्तों, जो लोग जब करेंगे इसको डिटेल्स देके करेक्शन करेंगे, मैं दोस्तों आप लोग एक ही एडवाइस दूंगा, आप जो भी डिटेल्स वहाँ पे दे रहा है वो सही सही दे दीजिए, नहीं तो आपका जो रिफंड है वो आप ही को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, और भी कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हो उसको भी मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड देयरफॉर यू आर एडवाइज टू फर्निश करेक्ट डिटेल्स एंड
and bank account number and IFSC code. Once you submitted the bank details, further editing of bank details is not permissible, and RRB shall not be responsible for the further failure or refund, if any, and no correspondence will be entered in this regard. तो दोस्तों यहाँ पे सही सही बोला गया है कि RRB अगर अभी आप अभी अगर जाके करेक्शन नहीं किए या अभी तक करेक्शन के बाद भी अगर गलत दे देते हो तो उसके बाद आरआरबी आपका जो रिफंड है वो उसके लिए आरआरबी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों इसको ये डिटेल्स यहाँ पे चलाया कि दोस्तों जो लोग अभी तक आपका रिफंड नहीं मिला है आप लोग अभी जाके करेक्शन कर लीजिए, और जो लोगों के लिए लगता है कि आपका गलत हो सकता है, आपके मन में डाउट है, आप लोग वो भी जाके अभी करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे इस चैनल को इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।